सो हाई गेज मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट की एक नई वीडियो के साथ, और आज इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे फिक्स कर सकते हैं अनेबल टू कनेक्ट वाला प्रॉब्लम। अगर आपके भी माइनक्राफ्ट में अनेबल टू कनेक्ट वाला प्रॉब्लम आता है और आप इसको फिक्स करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है, मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप जरा सा भी मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने माइनक्राफ्ट में, और मेरे माइनक्राफ्ट में भी अनेबल टू कनेक्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे इसको फिक्स करना है। तो पहले तो मैं यहाँ प्ले वाले ऑप्शन पर जाता हूँ और सर्वर्स में जाके, यहाँ पर मैंने एक सर्वर में इंटर होने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका नाम है play.nethergames.org। और इसमें मेरे को ये देखिए, जैसे मैं ज्वाइन सर्वर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही है अनेबल टू कनेक्ट का। देखिए यहाँ पर एक अनेबल टू कनेक्ट यहाँ लिखा आ रहा है, यही प्रॉब्लम आपके में भी आ रही होगी। तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे फिक्स करना है। सिंपल तरीका है, बस आपको क्या करना है, आपको माइनक्राफ्ट का लेटेस्ट वर्जन या फिर ऑफिशियल वर्जन डाउनलोड करना है। जो अभी माइनक्राफ्ट का ऑफिशियल वर्जन है, वर्जन 1.16.20, इसको आप डाउनलोड कर ले। मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है, और आपको अपने माइनक्राफ्ट में साइन इन भी कर लेना है। ये दो चीज़ें आपको कर ही लेनी है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप अपने डाटा कनेक्शन से या फिर वाईफाई कनेक्शन से खेलते हैं, यहाँ मैं अभी अपना वाईफाई कनेक्शन से खेल रहा हूँ, तो यहाँ मैंने अपना वाईफाई को ऑन करके ही माइनक्राफ्ट को ओपन किया। काफ़ी सारे बंदे ये करते हैं कि पहले अपना माइनक्राफ्ट ओपन कर लेते हैं फिर बाद में अपना डाटा कनेक्शन या फिर वाईफाई कनेक्शन ऑन करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने अपना वाईफाई कनेक्शन ऑन करके ही माइनक्राफ्ट को ओपन किया है। आपको भी अपना डाटा कनेक्शन या फिर वाईफाई कनेक्शन ऑन करके ही आपको अपना माइनक्राफ्ट को ओपन करना है, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये जो सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको सिंपली आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर जाता हूँ। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको जाना होगा प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा भी साइन इन है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले साइन आउट करना है। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ रहा साइन आउट ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, तो इस पर क्लिक करना है और आपको अपना माइनक्राफ्ट में से साइन आउट हो जाना है। तो यहाँ मैंने साइन आउट हो चुका हूँ, और देखिए मेरा यहाँ साइन इन लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर आपको पहले साइन आउट हो जाना है, और साइन आउट हो जाने के बाद सिंपली आपको फिर से यहाँ साइन इन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेव टू माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे, यहीं पे क्लिक करना। ध्यान रखना यहाँ पर मत क्लिक कीजिएगा, सेव टू माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एक पेज ओपन हो जाएगा माइनक्राफ्ट का, और यहाँ लिखा हुआ आएगा साइन इन का। तो आपको यहाँ फिर से अपने माइनक्राफ्ट में साइन इन कर लेना है। तो यहाँ मैं अपने माइनक्राफ्ट में फिर से साइन इन हो जाता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना जीमेल आईडी डाल लेता हूँ, और यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। आपको भी साइन इन कर लेना है, पहले तो आपको साइन आउट कर लेना है, फिर उसके बाद साइन इन कर लेना है। ये चीज़ आपको कर ही लेना है। तो यहाँ मैंने अपना आईडी और पासवर्ड डाल दिया, और यहाँ पर मैंने साइन इन पर क्लिक किया, और ये देखिए मेरा यहाँ साइन इन हो रहा है। ये सब हो जाने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक लिखा हुआ आएगा वेलकम बैक, तो आपको सिंपली लेट्स प्ले पे क्लिक करके यहाँ अपने माइनक्राफ्ट में साइन इन हो जाना है और इंटर हो जाना है। तो यहाँ देखिए मेरे में साइन इन हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर फिर से सेव टू माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर क्लिक कर देना है, इस पर फिर से आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ मैंने फिर से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पर क्लिक किया, और यहाँ देखिए मेरा यहाँ साइन इन हो चुका है, और मेरा देखिए गेमर टैग दिख रहा है, और मेरा यहाँ स्क्रीन भी चेंज हो चुका है। ये देखिए मेरा स्क्रीन भी चेंज हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से यहाँ सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से आपको जाना होगा यहाँ प्रोफाइल पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे में यहाँ ऑलरेडी साइन इन हो चुका है। ये देखिए यहाँ मेरा गेमर टैग लिखा हुआ आ रहा है। और एक चीज़, अगर आप अपना वाईफाई कनेक्शन से माइनक्राफ्ट ओपन करते हैं या फिर वाईफाई से खेलते हैं, यहाँ मैं अपनी वाईफाई से खेल रहा हूँ, तो आपको इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप डाटा कनेक्शन से खेल रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको पहले यूज सेलुलर डाटा ऑन करना है। अगर आप मोबाइल डाटा से खेल रहे हैं तो आपको यूज सेलुलर डाटा इसको ऑन कर लेना है, और आपको इसको ऑटो अपडेट पे आपको रख लेना है वाईफाई और सेलुलर डाटा। ये दो चीज़ आपको कर लेनी है अगर आप डाटा कनेक्शन से खेल रहे हैं तो, ठीक है। मैं अभी वाईफाई से खेल रहा हूँ, तो इसको मैं फिर से नॉर्मल कर देता हूँ जैसे था, आपको ऐसे कर देना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैक जाना है, आपको सिंपली यहाँ प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सर्वर्स में जाना है या फिर कोई सा वर्ल्ड में जाना है। और यहाँ मैं अभी एक जो सर्वर था बेडवर्स का, उसमें मैं इंटर नहीं हो पा रहा था। अब देखिए मैं इसी सर्वर में दोबारा से इंटर होकर दिखाता हूँ। तो यहाँ मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, ज्वाइन सर्वर पे क्लिक करता हूँ, और ये देखिए मेरा यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कनेक्टिंग टू, और यहाँ मेरा कनेक्ट हो रहा है, और ये देखिए मेरा यहाँ जनरेटिंग वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। और थोड़ा टाइम लेगा, तो इसको टाइम लेने देना है, ज़रा सा भी बैक या फिर कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। और ये देखिए मेरा यहाँ सर्वर में मैं इंटर हो चुका हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देख सकते हैं जो पहले आ रहा था अनेबल टू कनेक्ट वाला प्रॉब्लम, अब नहीं आ रही है। देखिए अब ये फिक्स हो चुका है, आई होप आपका भी फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देख सकते हैं कितना आराम से मेरा सर्वर में आ चुका हूँ। और बहुत ईजी तरीका है, बस आपको अगर आप डाटा कनेक्शन से खेल रहे हैं तो सेलुलर डाटा ऑन करना है, साइन आउट हो जाना है एक बार और साइन इन कर लेना है,
बस यही चीज़ करनी है। और आपको ऑफिशियल वर्जन डाउनलोड रखना है, जो लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड करना ही करना है। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।